हेलो फ्रेंड्स, टीच मी डेली के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड ट्रिक्स, मेथड्स, प्रॉब्लम्स और डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करते रहते हैं, जो कि किसी भी एग्जाम को क्लियर करने में बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। तो अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे यहाँ पर से या फिर यहाँ पर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपने जो मार्क्स एग्जाम में गेन करे हैं उसकी परसेंटेज कैसे निकालते हैं। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ में प्रॉब्लम होती है कि वो अपनी मार्क्स की परसेंटेज कैसे निकालें, जितने उन्होंने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसकी परसेंटेज कैसे निकालें। तो इस वीडियो में आप यही जानेंगे कि मार्क्स की परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो चलिए इसे सीखते हैं। मार्क्स की परसेंटेज निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, मार्क्स ऑब्टेंड अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100%। मार्क्स ऑब्टेंड मतलब जितने मार्क्स आपके आ रखे हैं, टोटल मार्क्स मीन्स पूरे मार्क्स कितने कितने मार्क्स का था वो एग्जाम, इंटू 100%। तो इस फॉर्मूले में आप क्या करेंगे, सीधे सीधे इस फॉर्मूले में नंबर्स रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। इसमें देखिए, किसी के मान लीजिए 320 मार्क्स आ रखे हैं 500 में से, तो उसे क्या करना है, अपनी परसेंटेज निकालनी है कि कितनी परसेंट आई है उसकी। तो देखिए फॉर्मूला आपके सामने है, बस इसको आपने फॉर्मूले में रखना है। P इज इक्वल टू परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेंड, मार्क्स ऑब्टेंड कितने हैं उसके 320 अपॉन कितने में से 500 में से इंटू 100%। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इस जीरो से ये जीरो कटा, इस जीरो से ये जीरो कटा, और फाइव से काटते हैं, 5 6 जा 30, 2 यहाँ आएगा, 5 4 जा 20, तो कितना आया 64%। तो किसी के 320 मार्क्स आए हैं 500 में से, तो उसकी परसेंटेज कितनी आई होगी 64%। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें देखिए 385 मार्क्स आए हैं किसी के, कितने में से 500 में से, क्योंकि जनरली सबके जो एग्जाम्स होते हैं उनमें 500 मार्क्स का पेपर होते हैं, 500 मार्क्स के पेपर होते हैं। तो देखिए इसे फॉर्मूले में रखते हैं, P इज इक्वल टू मार्क्स ऑब्टेंड, मार्क्स ऑब्टेंड है 385 अपॉन टोटल मार्क्स 500 इंटू 100%। तो इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, इस जीरो से ये जीरो कटा, इससे ये कटा, 5 7 जा 35, 3 आएगा, 5 7 जा 35, तो कितना आंसर आएगा 77%। तो किसी के 385 मार्क्स आए हैं 500 में से, तो उसकी कितनी परसेंटेज होगी 77%। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि मार्क्स से परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और साथ ही इस वीडियो को फेसबुक, ट्विटर और गूगल प्लस में ज़रूर शेयर कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस हिंदी में सीखने के लिए आप टीच मी डेली का यूट्यूब चैनल अभी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।